नमस्कार, आप देख रहे हैं dasugam.com। जी हाँ, पेश है 9 अगस्त बुधवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। शुरुआत कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, 40 लाख महिलाओं को कल से मिलेगा फ्री मोबाइल। 9 महीने की डाटा रिचार्ज के साथ मोबाइल फ्री मिलेगा। फोन पसंद करते ही सीधे आपके अकाउंट में आएंगे 1000 रुपए। राजस्थान में फ्री स्मार्टफोन को लेकर सबसे बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग आपके मोबाइल पर अब फ्री मोबाइल के लिए यानी आपको कैंप में आने के लिए आमंत्रण कर रहा है। किन किन को कैंप में आना है, इसके लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग मैसेज भेज रहा है। पहले फेज के अंदर 40 लाख महिलाओं को मोबाइल दिए जाएंगे। उन 40 लाख लोगों को ये मैसेज भेजे जा रहे हैं। हालांकि क्या आपको मैसेज प्राप्त हुआ है तो कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिखें, अन्यथा नो लिखकर भेजें। साथ ही आपको बता दें कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने कहा है कि लगातार हम जन आधार कार्ड में जिन लोगों के नंबर जुड़े हुए हैं उसी नंबर पर मैसेज आ रहे हैं। कृपया इस बात का आप ध्यान दें कि आपके जन आधार कार्ड में जो नंबर जुड़े हुए हैं उस पर मैसेज आ रहा है और आमंत्रण किया जा रहा है कि आप कैंप में पहुंचकर अपना मोबाइल लेकर जाएं। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सरकार ने नए जिलों में लगाए कलेक्टर और SP। राज्य सरकार ने देर रात IAS और IPS के तबादले कर दिए। नए जिलों में कलेक्टर, SP और संभागीय आयुक्तों की नियुक्ति है वो कर दी है। अधिकतर जगह पहले से कार्यरत विशेष अधिकारियों को ही कलेक्टर और SP और संभागीय आयुक्त लगाया गया है। इसी तरह से सरकार ने नए जिलों में कलेक्टर SP लगा दिए हैं। बालोतरा में राजेंद्र विजय और कलेक्टर हरिशंकर को SP और केकड़ी में खजानसी कलेक्टर व राजकुमार गुप्ता को SP बनाया गया है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, बदला सियासी नक्शा, कई विधानसभा 2 जिलों में बढ़ चुकी हैं। सबसे बड़ा जिला 8 विधानसभाओं वाला, कई जिलों में सिर्फ 1 सीट रहेगी। राजस्थान में नए जिलों और संभागों की सीमांकन पर कैबिनेट की मुहर लग चुकी है। अब राजस्थान 50 जिलों और 10 संभागों वाला राज्य बन चुका है। इसी के साथ ही जिलों की सीमाएं और तहसीलें भी तय हो चुकी हैं। जिलों के उद्घाटन भी हो चुके हैं। कौन सी तहसील किस जिले में आएगी ये तो तय हो गया है, लेकिन प्रदेश के नए नक्शे पर कौन सी विधानसभा कहाँ होगी ये फिलहाल अभी तक स्पष्ट नहीं है। नए जिले बनने के साथ ही ऐसी ढेरों विधानसभाएं हैं जो एक जिले से दूसरे जिले में आ गई हैं। वहीं कई विधानसभाएं ऐसी भी हैं जो अब 2 या 2 से ज्यादा जिलों के बीच में बंट जाएंगी। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, CM गहलोत बोले पुलिस में बढ़ाए महिलाओं की भागीदारी, नए जिलों में SC और ST एक्ट के मुकदमों की जाँच के लिए बनेगी सेल। CM अशोक गहलोत ने कहा है कि पुलिस में हर लेवल पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाएं। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में सामाजिक जागरूकता लाई जाए। SC और ST अत्याचार के मामलों में पुलिस बिना किसी दबाव की तेजी से जांच करके न्याय दिलाना सुनिश्चित कराए। SC और ST के मामलों में FR के बाद उनके रिव्यू का दायरा और बढ़ाया जाएगा। CM अशोक गहलोत SC और ST अत्याचार निवारण एक्ट के तहत बनी राज्य स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरिंग समिति की बैठक में ये बात कह रहे थे। बैठक में कई बड़े अहम फैसले लिए गए हैं। नए जिलों में SC और ST एक्ट के मुकदमों की जांच के लिए एक सेल बनाने की सबसे बड़ी मुहर लग चुकी है। इसके अलावा प्रदेश की अगली बड़ी खबर, लड़कियों से छेड़छाड़ करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा, उन्हें नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी। CM अशोक गहलोत ने दिया आदेश, कहा ये छेड़छाड़ में शामिल मंसलों के कैरेक्टर सर्टिफिकेट में लिखा जाएगा कि ये छेड़छाड़ में पहले से लिप्त है। महिलाओं और लड़कियों और बच्चियों से छेड़छाड़ करने वालों को राजस्थान में अब सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। छेड़छाड़ करने वालों के कैरेक्टर सर्टिफिकेट में इसका उल्लेख किया जाएगा। सर्टिफिकेट खराब होते ही सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। CM अशोक गहलोत ने देर रात कानून व्यवस्था की बैठक में अफसरों को आदतन मंसलों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के आदेश दिए हैं। CM अशोक गहलोत ने अफसरों से कहा है कि महिलाओं और कमजोर वर्ग के खिलाफ अपराधों को रोकना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। छेड़छाड़ करने वाले मंसलों का रिकॉर्ड रखा जाएगा। सरित्र परिणाम पत्र में छेड़छाड़ में लिप्त होने का उल्लेख किया जाएगा। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान गई अंजू का वीजा 1 साल के लिए बढ़ाया। राजस्थान की भिवाड़ी से पाकिस्तान गई अंजू उर्फ फातिमा का वीजा साल भर के लिए बढ़ाया जा सकता है। अंजू 20 अगस्त तक वीजा लेकर पड़ोसी देश गई थी और खैबर पख्तूनख्वा के रहने वाले पाकिस्तानी नसूर अल्लाह के साथ शादी कर लिया था। अब पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वीजा खत्म होने की मियाद पास आ रही है। ऐसे में अंजू ने वीजा बढ़ाने की अर्जी लगाई है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान सरकार उसका वीजा 1 साल के लिए एक्सटेंड करने की राजी हो गई है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान में अक्टूबर में लग सकती है आचार संहिता। अब बता दें कि फ्री मोबाइल वर्क को लेकर क्या अपडेट। दरअसल राजस्थान में विधानसभा चुनाव में अब 5 महीने से कम समय बचा हुआ है। 4 से 15 अक्टूबर की 20 तारीखों की घोषणा हो सकती है। चुनाव के ऐलान के साथ ही प्रदेश भर में आचार संहिता लग जाएगी। इस संबंध में सोमवार को एक मीटिंग भी हुई है।
आचार संहिता से पहले 21 अगस्त से 4 अक्टूबर के बीच मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। 4 अक्टूबर तक अंतिम रूप से मतदाता सूचियां जल्दी जारी कर दी जाएंगी। प्रदेश के लिए बड़ी खबर, 1.20 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को मिल सकती है बड़ी राहत, फ्यूल सरचार्ज हटाने पर विचार, जल्दी हो सकता है बड़ा फैसला। प्रदेश में सभी 1.20 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली बिलों में फ्यूल सरचार्ज से पूर्ण राहत मिल सकती है। अब घरेलू कनेक्शनों के बीच बिजली बिलों में लगने वाली फ्यूल सरचार्ज को सरकार वहन करेगी। इसको लेकर सरकारी बिजली वितरण निगमों एवं ऊर्जा विभाग के स्तर पर एक बड़ा मंथन हो रहा है और एक रिपोर्ट सरकार को भेज दी गई है, जिससे आपको बता दें कि फ्यूल सरचार्ज हटाने पर विचार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के लिए बड़ी खबर, चलती गाड़ी बनी आग का गोला, जिंदा जल गया अकाउंट अफसर, भागने तक का मौका नहीं मिला। राजस्थान की राजधानी जयपुर के कालवाड़ इलाके में मंगलवार सड़क पर चलती गाड़ी आग के गोले में तब्दील हो गई। इस हादसे में गाड़ी सवार युवक की जिंदा जलने से मौत हो गई। उसकी पहचान अकाउंट अफसर के तौर पर हुई है। मध्य प्रदेश के लिए बड़ी खबर, नए अध्यक्ष की मांग, उपेंद्र यादव ने किया 10 अगस्त को एक दिन के लिए उपवास का ऐलान। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को अपने नए अध्यक्ष का इंतजार है। नई वर्तमान चेयरमैन हरिप्रसाद शर्मा ने जुलाई में अपना इस्तीफा दिया था, जिसके बाद से भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट जारी होने और सितंबर अक्टूबर में प्रस्तावित भर्ती परीक्षाओं पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में नए अध्यक्ष को नियुक्त करने की मांग को लेकर अब बेरोजगार एक दिन का उपवास कर सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे। मध्य प्रदेश के लिए बड़ी खबर, भीलवाड़ा गैंगरेप को लेकर सचिन पायलट ने की पीड़ित परिवार से बातचीत, सरकार से की बड़ी मांग। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ग्राम नरसिंहपुरा कोटडी सापुरा भीलवाड़ा पहुंचे और पीड़िता मृतक के परिजनों से मुलाकात कर डांडस बंधाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसी घटना हम स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कुछ ही कहा है कि कुछ दिन पहले नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप और उसकी हत्या कर शव जला दिया गया। किसी भी प्रकार सभ्य समाज से ऐसी घटना को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उन दरिंदों ने मानवता की सीमा को लांघ दिया है। मुझे जानकारी मिली है कि सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन सचिन पायलट ने कहा है कि ऐसी घटना अगर दोबारा हुई तो घटना हम स्वीकार नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान प्राकृत भाषा एवं साहित्य अकादमी का सीएम गहलोत ने किया गठन, दी मंजूरी। राज्य सरकार की ओर से राजस्थान प्राकृत भाषा एवं साहित्य अकादमी का गठन किया जाएगा। यह अकादमी जैन धर्म के लोक साहित्य के प्रकाशन और जैन समुदाय के पुरातात्विक धरोहर मंदिरों के पुरुद्वार और संरक्षण के लिए काम करेगी। मध्य प्रदेश के लिए बड़ी खबर, रिश्वत कांड में पीएचडी के ठेकेदार के घर मिली सरकारी मोहरें और फाइलें, घर पर तैयार होते थे बिल, अधिकारी करते साइन, एमएनआईटी के एक्सपर्ट भी जांच के घेरे में। जयपुर में रिश्वत लेते पकड़े गए अलवर और नीमराणा के पीएचडी अफसरों के मामले में एसीबी ने सभी आरोपियों को 10 अगस्त तक कोर्ट रिमांड पर ले लिया है। वहीं एसीबी को जांच में दोनों अफसरों के साथ पकड़े गए ठेकेदार पदम सन जैन के ऑफिस में बड़ी संख्या में सरकारी अधिकारियों को सील मिली है। इनमें से कुछ मोहरें एमएनआईटी के एक्सपर्ट की है। मध्य प्रदेश के लिए बड़ी खबर, सरेंडर करने जा रहे शराब ठेकेदारों को गोलियां से भूना, गुजरात ने 50 से ज्यादा केस दर्ज, 4 दिन पहले ही पार्टनर को गुजरात पुलिस ने पकड़ा था। सांसूर जालोर से बड़ी खबर है, सांसूर में पार्टनर की गिरफ्तारी के बाद गुजरात पुलिस के सामने सरेंडर करने जा रहे शराब कारोबारी लक्ष्मण देवासी की सोमवार को दिन दहाड़े 3 बदमाशों ने गोली मार हत्या कर दी। सोमवार की सुबह लक्ष्मण देवासी के घर पर पुलिस ने दबिश दी थी, लेकिन यह हाथ नहीं लगा था और देर रात को लक्ष्मण खुद सरेंडर करने जा रहा था, लेकिन इससे पहले ही अब गुदारे की गुंडों ने जो किया उसकी निंदा हो रही है। प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान मानसून अपडेट को लेकर है, राजस्थान में बरसात का दौर थमा, अब ठंडी हवाओं से रात पूरी हिस्सों में छिटपुट बारिश के आसार। राजस्थान में मानसून अब धीमा पड़ गया है, अगले 3 से 4 दिन तक राज्य में तेज बारिश होने की संभावना नहीं है। बारिश का दौर थमने के साथ ही प्रदेश के कई जिलों में ठंडी हवाएं चल रही हैं। वातावरण में नमी होने के साथ साथ इन हवाओं के चलते मौसम कूल बना हुआ है, लोगों को उमस और गर्मी से काफी राहत मिली हुई है। उधर मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में स्थानीय स्तर पर बादल बनने से हल्की बारिश होने सकती है। मध्य प्रदेश के लिए बड़ी खबर, सबसे अहम खबर आ रही है, सांसद नहीं, मानगढ़ से पीएम पर जुबानी हमला बोलेंगे राहुल गांधी। सांसदी बहाल होने के बाद राहुल गांधी आज बुधवार को पहली बार कोई सभा करेंगे। कांग्रेस इसकी शुरुआत अपने कोर आदिवासी वोट बैंक की गढ़ से करने जा रही है। मानगढ़ धाम राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात और महाराष्ट्र 4 राज्यों के आदिवासी समाज के लिए आराध्य स्थल है और यहीं से आज राहुल गांधी मानगढ़ धाम राजस्थान से बड़ी सभा करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के लिए बड़ी खबर, पीएम मोदी ने लिया राजस्थान के सांसदों से फीडबैक, विधानसभा चुनाव के लिए आगामी रणनीति पर चर्चा की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में बैठे राजस्थान के लोकसभा एवं राज्यसभा सांसदों की बैठक ली है। इस बैठक में सांसदों के अलावा राजस्थान से जुड़े अन्य नेता भी मौजूद रहे हैं।
मध्य प्रदेश के लिए बड़ी खबर, बिजली कनेक्शन के लिए नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर, टोल फ्री नंबर पर मिलेगी सुविधा। बिजली कनेक्शन के लिए अब उपभोक्ताओं को अजमेर डिस्कॉम कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। बैंकों और निजी कंपनियों की तरह अब डिस्कॉम उपभोक्ता के लिए कनेक्शन लेने की प्रक्रिया को और सरल बना रहा है। अब टोल फ्री नंबर जारी कर दिए गए हैं और 3 दिन में आपको कनेक्शन मिल जाएगा। मध्य प्रदेश के लिए बड़ी खबर, लड़कियों से छेड़छाड़ करने वालों को कैसे पहचानेगी आखिरकार सरकार? भारतीय बोर्ड कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगेगा या फिर पुलिस बनाएगी लिस्ट? जो मनसले लोग हैं जो लड़कियों के साथ बदतमीजी करते हैं उनका इलाज करो, इनका नाम लिखो और आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजो। मनसले लोग बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री गहलोत ने चीफ सेक्रेटरी, डीसी पुलिस और अधिकारियों के साथ ये मौखिक आदेश सोमवार देर रात कानून व्यवस्था को लेकर जारी कर दिया है। सीएम अशोक गहलोत ने यह साफ कर दिया है कि महिलाओं, लड़कियों और बच्चियों से छेड़छाड़ करने वालों को राजस्थान में अब सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। छेड़छाड़ करने वालों के कैरेक्टर सर्टिफिकेट में इसका उल्लेख किया जाएगा, ये युवा भर्ती परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें।